राजनांदगांव के कई गांवों में फसल बीमा नहीं होने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसान फसलों का बीमा कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई। नवागांव मेढ़ा खुर्सीपार के किसान फरियाद लेकर राजनांदगांव कलेक्टर के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि पोर्टल में तकनीकी खराबी होने के कारण बीमा नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में हमारे द्वारा गेहूं चना का फसल बीमा कराए जाने हेतु हम सभी ऑनलाइन सेंटर गए थे, जहां पर हमें पता चला कि ग्राम नवागांव मेढ़ा में रबी बीमा पोर्टल प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारी रबी फसल का भी बीमा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमें भविष्य में आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस संबंध में कलेक्टर डोमन सिंह का कहना है कि एक ही नाम के गांव में यह समस्या आई है। एक ही नाम के गांव में फसल बीमा को लेकर पोर्टल में तकनीकी त्रुटि है, जिसे हम दिखा रहे हैं, जल्द ही इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। देवांगन ग्राम नवागांव ग्राम पंचायत कुल्हापुरी पटवारी हल्का नंबर 19 तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का निवासी हूं। जो कि हम लोग रबी फसल कराने के लिए ऑनलाइन सेंटर में गए, तो वहां हम लोगों को पता चला कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, नवागांव का नाम जुड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में इसकी शिकायत या सूचना देने के लिए ऑफिस आए हैं। हमारी काम तत्काल हो जाना चाहिए, इनकी उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। नहीं होता अगर मान लो कहीं नहीं होता है तो हम लोग अपना क्षति भुगतान के लिए काबिल रह जाएंगे, इसलिए हम लोग आगे की उचित कार्रवाई फिर करने की कृपा करेंगे। शुभ नाम नवागांव ग्राम पंचायत कोल्हापुरी और विकास खंड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का निवासी हूँ। मैं पटवारी ट्रांसफ़र हो चुका है, वो पटवारी और फिर से आना चाहिए। खोद गया काबुल हूँ शहर। फसल बीमा के बारे में सेम गांव का विषय आया है, तो उसको हम लोग उसको दुरुस्त कराएंगे। कृषि विभाग को मैंने बोला है कि वो सेम गांव नाम से दो गांव हैं, तो उसमें तकनीकी त्रुटि हुई है कुछ, तो उसको परीक्षण करके उसको ठीक करने के लिए बोला गया है। बहरहाल किसानों की समस्या का जल्द ही समाधान करने की बातें राजनांदगांव कलेक्टर ने की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।